आज जिन भी लड़कों से एक्सपेक्टेड था कि वो पेड़ आराम से काट लेंगे, वो सभी लड़के फ्लॉप हो गए और बाजी मार ले गए टी सुरेश। नो डाउट सुरेश जी का परफॉर्मेंस अच्छा था, काम उनका हमेशा अच्छा होता है, उनके पास बातें थोड़ी अच्छी नहीं होती। सुरेश जी एक आदमी नहीं एक जिन है, और आज जो उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया वो एक प्रश्न चिन्ह है। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव। इस परीक्षा में सिर्फ अभिमन्यु, शोएब, टी सुरेश और गौरव जड्डी हिस्सा लेंगे। अभिमन्यु, एक भी पेड़ हमसे नहीं काट पाए, तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कहीं ना कहीं वो अनफेयर डील थी कि अभिमन्यु एक भी पेड़ को भेदने ना भेदने के बावजूद भी वो क्वालिफाइड हुए अगले राउंड। एक धनुष वो था जो सीता मैया के स्वयंवर में रखा गया था, एक धनुष ये जो राजकुमारी रतन के स्वयंवर में रखा गया, जिसे आप राजकुमारों को इसे तोड़ना नहीं केवल मोड़ना है। रखिएगा कि जिस तरह से मैं मुस्कुराता रहता हूँ, आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे ऐसे ही खिलखिलाती रहे जिंदगी भर। जैसे भी जो भी लम्हा हो, ये मुस्कुराहट इसी तरीके से रहे चेहरे। अच्छा है अगर कोई ऐसा दुआ करने वाला साथ हो कि मेरी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दोबारा से कि वो तो मोड़ ही देंगे, क्योंकि उन्हें गुस्सा इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, तो उन्होंने धनुष पे खूब जमकर गुस्सा निकाला। पुरानी फिल्मों में जैसे वीरन कहते थे ना, हा 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 मैंने कर दिखाया, वो कुछ भी करके फूल से जाते हैं और ऐसे ऐसे देख कर जाते हैं कि सी मैंने कर दिया तुम करके दिखा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है सुरेश जी का। हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है।
शोएब ने उसको धनुष को फोल्ड किया और टेबल पे रखा और चल दिया। सो बिल्कुल अपने नेचर के हिसाब से उसने अपना काम किया कि बस मैंने देखो मोड़ दिया है, मेरा काम हो गया, मैं हैप्पी नहीं करता। लेकिन अब वक्त आ गया है वो नाम घोषित करने का जो स्वयंवर साल 2011 में सबसे आगे था। आज सभी योद्धाओं को कदम कदम पर करना पड़ा कठिनाइयों का सामना, पर विजयी होगा वही जो अकेला डटा रहा इन सब के सामने।